बिस्मिल्लाह। असल में सिलसिलों में बुज़ुर्गों का एक ख़ास उसलूब रहा है, और मुख्तलिफ सिलसिले के हवाले से बुज़ुर्गों का मुख्तलिफ उसलूब रहा है इस मामले में, तरबियत में। और बिलख़ुसूस जो ये अबुलउलाई सिलसिला है, इसमें तरबियत का एक अलग तरीका रहा। असल में कुछ सिलसिले ऐसे होते हैं जिसमें जज्ब अज़कार के ज़रिए पैदा किया जाता है, जो अबुलउलाई सिलसिले में चूँकि नस्बत चिश्तिया गालिब है, और अबुलउलाई सिलसिले के जो बुज़ुर्ग थे, बिलख़ुसूस वो बुज़ुर्ग जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से रहा, जैसे कि हज़रत क़िबला दादा हुज़ूर, हज़रत नबी रज़ा शाह साहब, और उनके बाद हज़रत शाह इनायत हसन शाह साहब रहमतुल्लाह, और शाह मोहम्मद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह। इन लोगों का जो है वो जज्ब समा के ज़रिए था। यानी कि अज़कार तो अपनी जगह थे उनके, कि जो अज़कार पे उनका जोर था वो था, लेकिन वो एक तरीके से तीन हिस्सों में इसको उन्होंने डिवाइड किया। एक हिस्सा शरीयत की पाबंदी पर, कि जो अमूर शरीयत और फ़राइज़ और अहकाम हैं उस पर सख्ती से अमल करना। दूसरा हिस्सा ज़िक्र और अज़कार, नवाफिल नफली ज़िक्र और अज़कार जो होते हैं, जो सलासिल में मुख्तलिफ राइज हैं उस पर, और तीसरा हिस्सा समा पर। असल में हिंदुस्तान का जो एक मिजाज रहा है, वो मिजाज इसमें जो गलबा रहा शेर व शायरी का ज़्यादा रहा, और तबलीग भी यहाँ पर जो दीन इस्लाम के बुज़ुर्गों ने की वो अशार के ज़रिए ही, हमद व नात इस तरीके से ही की। तो इसलिए चिश्तिया सलासिल के अंदर समा में जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर रहा, और गलबा समा का जज्ब का ज़्यादा रहा। अच्छा, हिंदुस्तान का अगर कल्चर देखा जाए तो वैसे भी इस हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो समा पर ही है, चाहे वो भजन की सूरत में था, चाहे वो गीतों की सूरत में था, वो नातों की सूरत में रहा, वो गज़लों की सूरत में रहा, शायरी की सूरत में यानी गज़लों की सूरत में रहा, या फिर वो मुनाकिब मनकबत की सूरत में रहा। अब चूंकि ये उनकी अपनी ज़बान है, तो जो तबलीग का तरीक़ा रहा, तो उन्होंने जो कुरान के अहकाम थे या कुरान का जो पैगाम था, वो उन्होंने अशार के ज़रिए में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया, ताकि उसमें एक जज्ब मोहब्बत पैदा हो। देखें, इबादत की एक खसूसियत है कि इबादत दो तरह पर है। एक ये है कि इबादत जो है रस्मन की जाए, और एक इबादत में मोहब्बत और ज़ौक पैदा हो। अब हमारे जो बुज़ुर्गों की तरबियत थी वो ये समझते थे और कोई चाहते थे, और उनका तरीक़ा ये था कि इबादत जो है वो रस्मन ना हो,
बल्कि इबादत में एक शौक और एक मोहब्बत पैदा की जाए। और हम जिसकी इबादत करते हैं रब्बुल इज्जत की, उसकी मोहब्बत गलबा करे। तो इसलिए उन्होंने समा को रखा ताकि जो आम लोग समझ में आए बात। अच्छा, अब इससे जो है वो लोगों में एक जज्ब पैदा होता है, गलबा मोहब्बत पैदा होती है, इश्क पैदा होता है। यानी कि मजाज के जरिए हकीकत तक पहुंचना, जैसे वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि हकीकत नजर आ मुझे कभी रंगे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबी नियाज में। तो मजाज के जरिए हकीकत तक पहुंचने से मुराद ये है कि मजाज, वो मजाज जो जहूर हक हो, जो मजहर हो। अब जब हम मजाहिर में देखते हैं ना, अच्छा मजहर और हुलूल ये भी एक बात है। थोड़ा सा हम हुलूल को हराम समझते हैं, कुफर समझते हैं। हमारे नजदीक जो चीज है वो जहूर है। हम अपने बुजुर्गों में, अपने शेख में, अपने मुर्शिद में जहूर हक समझते हैं कि ये अल्लाह तबारक बताए कि किसी सिफात का मजहर है। तो हम उस मजहर में मजाज के जरिए हकीकत को देखना चाहते हैं। यही तस्वुर शेख का भी मतलब है और यही तरबियत भी है। तो जो हमारे बुजुर्गों की तरबियत थी वो इसी तरतीब पर थी, और वो अपने तमाम मुरीदों की जो तरबियत करते थे, बिलखसूस हजरत शाह मोहम्मद शाह साहब या हमारे तबला हुजूर हजरत शाह उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरतीब तरकीब यही थी। अब रह गई बात कि समा के जरिए वो चाहते थे कि ज़ौक पैदा हो, इजहार पैदा हो। आई ना समझ बात। जब जिक्र करते करते एक जैसा वो हो जाता है ना, जब एक यकसुई सी हो जाती है जिक्र में, तो फिर उसमें तरतीब आगे बढ़ने की जोक कम हो जाता है। तो जब जोक जरा कम होता है ना, तो समा उसको हिलाता है, फिर एक जज्बा पैदा करता है। आई ना समझ। तो समा इसलिए इसमें सिलसिले में मौजूद रहा और है। लेकिन अब हमारी जो है ना खराबी, खामी ये पैदा हो गई कि हम जिक्र और अजकार पे कम तवज्जो देने लगे और इस तरफ ज्यादा, जबकि वो तवाजुन ये था। हमारे यहाँ दादा मियाँ के यहाँ बाज़ औक़ात तो हर रोज और बाज़ औक़ात हर दूसरे तीसरे दिन समा होती थी। क्यों होती थी? कि जज्ब कम ना हो जाए, जज्ब बढ़े, मोहब्बत बढ़े। अच्छा, कमाल बात है कि जिक्र से वो जज्ब पैदा नहीं होता जो समझ से होता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में भी फरमाता है ना कि और जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना, खामोश हो रहा
क्यों? ताकि तुम पे असर करे। मिसाल के तौर पर तुम कारी के साथ दोहराते जाओ, तुम पे असर नहीं होगा, लेकिन जब तवज्जो करोगे, सुनोगे गौर से, तो असर होगा। तो अल्लाह ने एक जबान दी है और दो कान दिए हैं, है ना? ये बात, इसका मतलब है बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। अच्छा, बोलना जो है ना, वैसे भी ये नफ्स का हिस्सा है। और खामोश रह के सुनना जो है ना, ये रूह का हिस्सा है। तो जब हम किसी चीज का असर रूह पे डालना चाहते हैं ना, तो फिर सुनते हैं। मगर जब नफ्स को मुतमईन करना चाहते हैं, इत्मीनान दिलाना चाहते हैं, तो बोलते हैं। तो अहले तसव्वुफ के नजदीक रूह का इत्मीनान ज्यादा है बनिस्बत नफ्स के। इसका इसीलिए मुराकबे का हुक्म है इसमें कि मुराकबा करो ज्यादा से ज्यादा। अब मुराकबा में आदमी बोलता है, सुनता है, या क्या करता है? खामोश होता है। तो उनकी तरबियत हमें यही थी, इसी तरतीब से थी। आई ना समझ बात? हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा कि वो ये कहते थे कि बेटा, तुम्हें जो है ना, तबलीग करने के लिए जबान का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। अपने किरदार से करो तबलीग, लोग तुम्हें देखकर वो अमल करें। आई ना समझ में बात? कहते थे हाँ, जबान जब इस्तेमाल करो जब बहुत जरूरत पेश आ जाए। अब तो खैर पाबंदियां नहीं रही, वरना बोलना एक लिमिट था अल्फाजों का। कहते थे कि अपनी जबान से बिलजहर जो अदा करते हो अल्फाज, वो तुम्हें पूरे दिन में, यानी कि फजर से लेके और मगरिब तक, 100 से ज्यादा ना बोलने पड़े अल्फाज। गिनकर बोलो अल्फाज, वरना रूहानियत कम हो जाएगी। अभी जो तरीक़े अहले तसव्वुफ के या जो तरबियत के तरीक़े हैं ना, लोग उससे वाकिफ ही नहीं है। वो किसी शहर का शेर है, वो कहता है कि अतवारे तसव्वुफ समझा दूं तुझको अगर, फिर तेरी हर एक अदा हो जाए पुर कैफ व असर, हिजाबे कायनात उड़ जाए तेरी निगाह से, तू अगर जान ले असूल अरबाबे नजर। हर चीज अपने एक उसूल पर, एक तरतीब पर है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुर्शिद का खामोश रहना, अगर मुर्शिद खामोश है और अगर उसकी खामोशी से तरबियत मुरीद हासिल न करे, तो उसके बोलने से भी नहीं कर सकता।
इसीलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्शिद किबले की मानिंद होता है, वो कहीं भी हो तुम जब उसकी तरफ तवज्जो करोगे उससे फैज पाओ। क्यों? कि मुर्शिद जो है वो उसका कल्ब जो है तजल्लियात इलाहिया का मरकज है। और वो किसी एक सिफत इलाहिया का मजहर होता है। और जब वो किसी सिफत इलाहिया का मजहर हो जाता है और उसका कल्ब तजल्लियात का मरकज हो जाता है तो मुरीद के लिए कुर्ब और बईद नहीं रहता, यकसां हो जाता है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस के लिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यकीन कामिल चाहिए। क्यों? कि तसव्वुफ में मुर्शिद के फेल से नहीं उसके फैज से ताल्लुक होता है। जो मुरीद इस बात को नहीं समझते ना कि हमें फेल से ताल्लुक रखना है या फैज से, वो कभी कामयाब नहीं होते। आई ना समझ में? यही तरबियत हजरत दादा हुजूर किबला शाह मोहम्मद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की थी। मियां साहब फरमाते थे कि जब मुर्शिद खामोश होता है ना तो वो इसलिए खामोश होता है कि उस वक्त उस पर फैज आ रहा होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो उस वक्त अगर मुरीद फायदा ना उठा सका तो कभी नहीं उठा सकता फिर वो फायदा। आई ना समझ में बात? लेकिन चूंकि हम इसके कवायद और जवाबित को नहीं समझते, चूंकि दिल का मामला बातिन का है, और बातिन को अहले बातिन ही जानते हैं और अहले बातिन ही बातिन से फायदा उठाते हैं, अहले जवाहिर नहीं। तो इसीलिए हर सिलसिले की तरबियत का अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन चूंकि ये अबुल उलाय सिलसिला जो है ये मरजिल बहरीन है, ये मरजिल बहरीन सिलसिला है, इसमें मुख्तलिफ सलासिल इकट्ठे हुए हैं। अब बज़ाहिर वो सात नजर आते हैं
लेकिन अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो 49 हो जाते हैं। तो हर सिलसिले का कोई ना कोई तरीका इसमें मौजूद है। नक्शबंद सिलसिले का इसमें तरीका मौजूद है, चिश्तिया सिलसिले का इसमें है, कादरिया का इसमें है, सोहरावर्दिया का इसमें है, फिरदौसिया का इसमें है, शत्तारिया का इसमें है, मदारिया का इसमें, शाजलिया का इसमें है। तो ये मुख्तलिफ सलासिल इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी फिर तरबियत है। लेकिन चूंकि इस सिलसिले में निस्बत चिश्तिया गालिब रही है, तो बाकी अस्कार सलासिल के भी वो चिश्तिया तरीके पर ही करते हैं। इसलिए उनकी तरतीब वही रहती है जो है, और यही वजह थी कि इन बुजुर्गों की जो तरबियत थी ना वो सबसे हटकर थी। सुनना जो है वो रूह पे ज्यादा असर करता है, बाज बुजुर्गों के नजदीक, बिलखसूस नक्शबंद सिलसिले के नजदीक, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तशरीफ ले जाया करते थे आप, तो आप वहां पर सुल्तानुल अजगार फरमाते थे। अब अगर सुल्तानुल अजगार की को देखा जाए तो वो बोलना नहीं है, वो सुनना है। इनके जिक्र इलाही अल्लाह ताला की इस्म की गूंज अपने अंदर सुननी है। और अजकार में जितना तसव्वुर सुनने का है इतना बोलने का नहीं है। खफी असकार जो हैं जिसको, वो दो तरह पर है। एक तो ये है कि हम सिर्फ दिल में जिक्र करें, और एक ये है कि हम दिल में भी जिक्र ना करें। सिर्फ सुने, आपके अंदर एक गूंज चल रही है, एक सूत है जिसको हम सूते सरमदी कहते हैं, वो आपके अंदर गूंज रही है, मगर उसका फायदा आपको जब तक नहीं होता जब तक आप उसको समझ नहीं लेते, उसको महसूस नहीं कर लेते, तो उसकी आवाज नहीं सुन लेते। आपकी रूह को आपके जिस्म में उस सूत ने रोका हुआ, ये अहले अजगार के नजदीक है ये बात। कि जब इंसान की मौत वाकया होती है तो वो सूत को बाहर से सुनती है, तो वो उसके पीछे चल पड़ती है रूह और निकल जाती है जिस्म से।
और वो कहते हैं कि वो सूते सरमदी क्या है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाह से पूछा अलस्त बरब, पहला कलाम रब का अरवाह ने सुना था। तो उन्होंने जवाब दिया था कालू बल, कहा क्यों नहीं। अच्छा, अल्लाह तबारक व ताला ने यहां पर अरवाह से जो पूछा वो अपनी एक सिफत का पूछा, अपनी जात के बारे में नहीं पूछा रब, और ना ये पूछा इलाकुम, क्या मैं तुम्हारा माबूद नहीं रब। कमाल सिफत है ये, इसलिए अल्लाह तबारक वताल ने इस सिफत से पूछा कि ये जामिउ सिफात है और जात के कायम मुकाम है ये सिफत, इसमें जात के यानी के अल्लाह के इसमें जात के कायम मुकाम है। और इसकी हकीकत ये है, रबूबियत ये है कि वो एक हैसियत से दूसरी हैसियत में तब्दील करना, पालना है, यानी कि जैसे कि हम तो पालने का लफ्ज एक कहकर एक बहुत छोटी सी बात कर देते हैं ना, देखो रब के मायने ये हैं, किसी को की हैसियत को तब्दील करना और किसी को चीज को असफल से आला की तरफ ले जाना। और इस तरह से ले जाना कि कोई भी उसमें मुखल नहीं हो सकता, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करना। अब जैसे कि इंसान ही है, आलम अरवाह से अल्लाह उसको बाप की पुश्त में मुंतकिल करता है, एक हालत से दूसरी हालत में ले जाता है ना, और फिर बाप की पुश्त से मां के रहम में मुंतकिल करता है, और फिर वहां उसके हालतों को तब्दील करता रहता है। यहां तक कि वो पैदा हो जाता है और फिर उसकी हालत को तब्दील करता है, फिर नौ मौलूद से शीरखार हो जाता है, शीरखार से फिर तिफल हो जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर उसको वापस उसी हैसियत में ले जाता है, हालत में मौत वाके होके परवरिश करने वाला। तो अरवाह से जिक्र, अरवाह से सवाल कर रहा है, ये सवाल वहां खत्म नहीं हो गया, यही आवाज पर इसी सूत पर जो हैं
वो अरवाह जो है आशिक है। सुल्तानुल अज़्कार भी सूते सरमदी है, एक रिदम है। आई ना समझ बात। और जिक्र भी जब रिदम से होता है तो असर करता है, ज़र्ब लगाना एक रिदम है, एक हरकत देना है, और समा भी रिदम है। तो समा जो है वो उसकी उस हालत को उजागर करता है। एक शेर होता है वो जुमानी होता है, चाहे उसको हकीकत पर रखो चाहे उसको मजाज पर, ये तुम्हारे अंदर की कैफियत से बनाती है। वो किसी शायर का शेर है, कहता है कि इश्क की चोट तो लगती है हर एक दिल पर, इश्क की चोट तो लगती है हर एक दिल पर, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। अब जिसका जैसा ज़र्फ होता है उसमें से वैसी आवाज निकलती है। आई ना समझ में बात। इसीलिए हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, खुश्क तारो खुश्क टोबो खुश्क कोस अज कुजा मी आयद आवाज दोस्त, यानी कि जो डफ है या ढोल है ये सूखी हुई लकड़ी है, सूखी हुई खाल है, आई ना समझ बात। और इसकी डोरियां जो इसमें बंधी हुई भी सूखी हुई बेजान है, सब बेजान है ये, मगर जब इसमें चोट लगती है तो ये दोस्त की आवाज कहां से निकलती है। अब जब ढोल पे चोट लगती है तो कोई तो उसमें दोस्त की आवाज को सुनता है और कोई उसमें शैतान की। अब ये फर्क क्यों है? ये फर्क उसकी कल्बी कैफियत की वजह से है। ये अगर उसका कल्ब कैफियत शैतानी है तो शैतान की आवाज सुनाई देगी, और उसकी अगर कल्फ कैफियत जो है इश्क इलाही से चर्चा रहे तो वो सुनाई देगी उसको। अब जिसका जो दोस्त होता है उसकी वही आवाज सुनता है। हर दोस्त अपने दोस्त की आवाज सुनता है, इसमें किसी से झगड़ा भी नहीं, हाँ ना किसी को दोष दे सकते हो आपके भाई तू क्या सुन रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैंने इंसान में फजूर और तकवा बराबर रख दिया। अब जो चाहे वो फजूर को बढ़ाए और जो चाहे वो तकवे को बढ़ाए। और तकवा जो है वो खुदा से उस खौफ का नाम है जो मुत्तकी के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, कि उसे ये खौफ रहता है कि कहीं मेरा दोस्त छूट ना जाए मुझसे। उसका खौफ जो है वो दोस्त की रजा के लिए रहता है हर वक्त।
और फजूर का खौफ जो है वो लोगों की नाराजगी के लिए रहता है कि लोग मुझसे नाराज ना हो जाए, वो हमेशा लोगों को मनाने की फिक्र में रहेगा। और अहले तकवा हमेशा रब का राह ढूंढेंगे, उसकी रास्ता ढूंढेंगे कि वो कैसे राजी होगा। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो फरमाते हैं, कहते हैं कि दुनिया किसी से राजी नहीं होती, दुनिया किसी से राजी नहीं होती, लिहाजा इससे मुंह मोड़ और उसको राजी कर जो सबसे राजी हो जाता है। वो तेरा रब है। और ये भी सिफत रबूबियत से है कि वो तेरे दिल से फजूर निकाल के और तकवा डाल दे, कि उस हालत से इस हालत में तब्दील कर दे तुझे। कायनात की जो तब्दीलियां हैं वो सारी की सारी सिफत रबूबियत से हैं। तो हमारे बुजुर्गों की जो तरबियत थी हमारे लिए वो इस तरीके पर थी। और इसी तरीके से वो तरबियत करते हैं और हमें भी वही बताया कि ऐसे ही करो। क्योंकि सूफिया का तरीका मोहब्बत है, और वो कहते हैं कि जब तुम लोगों के दिल में रब की मोहब्बत पैदा कर दोगे तो डराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डराया उनको जाएगा जिनमें मोहब्बत नहीं होती, फिर उनको डराया जाता है, फिर उनको वईद सुनाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ तरीके में कम से कम 500 से 1200 मरतबा रोजाना इस्तग़फार है। और वो कहते हैं कि इस्तग़फार फिक्र से करो, यानी कि ऐसे इस्तग़फार करो कि जैसे एक मुजरिम अपने आका के आगे बैठ के अपने जुर्मों का इकरार करता है, ताकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे रब की मोहब्बत पैदा हो। और तुम्हारे अंदर यकीन पैदा हो और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि और जो अल्लाह से गायबाना डरा अल्लाह उसको निजात देगा। क्यों? ये तौबा जो है ना, ये ऐसी इबादत है जो रस्मन नहीं हो सकती।
ये यकीनन है, ये पूरे यकीन के साथ करनी चाहिए और इस तरीके से करनी चाहिए कि मैं अपने रब के हुजूर बैठा हूं और अपने जुर्मों का इकरार कर रहा हूं। और उससे अब माफी का तलब का क्यों, ये जिक्र से ज्यादा तौबा अल्लाह के यहां अजीज है, क्योंकि तौबा का यकीन जब बंदे को होता है ना, और यकीन से जब बंदा करता है तो अल्लाह उसके दिल में फिर अपनी मोहब्बत डाल देता है, और सारे जिक्र का मकसद अल्लाह की मोहब्बत है। जिक्र के जरिए हम खुद मोहब्बत पैदा करते हैं, लेकिन तौबा के दिल में अल्लाह खुद डालता है। और जब हमें ये यकीन होता है ना कि हम मुजरिम हैं, तो फिर बंदे के आगे कोई दूसरा मुजरिम नहीं रहता। हर मुजरिम को अपनी फिक्र ज्यादा होती है बनिस्बत दूसरे की। जो अपने आप को मुजरिम नहीं समझता ना, तो फिर वो साहूकार समझता है, नेक समझता है अपने आप को, और जो नेक समझता है अपने आप को वो तकब्बुर में मुब्तिला हो जाता है। उसके फिर दिल में ये ख्याल होता है कि और लोग भी मुझे नेकुकार समझे, वो सबके सामने फिर नेकुकार बन के आता है ताकि लोग मुझे नेक समझें। और तौबा का यकीन रखने वाला किसी के सामने नेक बन के नहीं आता। वो तकब्बुर और रिया से महफूज हो जाता है, और जो इबादत और अताअत तकब्बुर और रिया से महफूज हो जाए वो कबूल हो जाती है, क्योंकि वो खालिस अल्लाह के लिए हो जाती है फिर। और जो चीज अल्लाह के लिए हो जाती है फिर अल्लाह उसको जाया नहीं करता। बंदे की कोई भी चीज अल्लाह के यहां एक बार कबूल हो जाए फिर वो रद्द नहीं होती। क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलातु वअलैहिस्सलाम ने कोई दलील देने के बजाय अस्तगफार का रास्ता अपनाया, और शैतान ने अस्तगफार तौबा करने के बजाय दलील का रास्ता अपनाया? नतीजा एक महबूब हो गया, एक मर्दूद हो गया। तो इसका मतलब है महबूब हमें वो चीज करती है जो हमें हमारे रब के आगे सरेंडर कर दे। सबसे ज्यादा जो चीज तवज्जो दी ना हमारे बुजुर्गों ने इसी बात पर कि बेटा अपने नफ्स में जो है ना वो आजिज इनकी सारी पैदा करो और इसको कमतर जानो। आई ना समझ में बात,
और अपने ईमान पर इत्मीनान मत करो, इससे मुतमईन ना हो जाओ कि शैतान का सबसे बड़ा जाल है कि वो तुझे मुसलमान कर दे, यानी कि तेरे दिल में ये इत्मीनान शैतान पैदा कर दे तू मुसलमान है, तुझे क्या जरूरत है किसी बात। कभी मुतमईन मत हो, क्यों कि सिफत रबूबियत ये कब तेरी हालत बदल दे। तो जब तू हर वक्त उससे डरेगा तो वो बेहतरीन हालत की तरफ तुझे लेके जाएगा। और जब तू फख्र करेगा मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, और नमाज पढ़ के भी फख्र करेगा, रोजा रख के भी फख्र करेगा, दूसरे जो रोजा रख नहीं रखते नमाज नहीं पढ़ते उनको कमतर समझेगा। तो किसी को कमतर समझना ही अपने आप को बढ़ता समझना तकब्बुर की निशानी है। और रब ताला फरमाता है कि वो तकब्बुर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जिसके दिल में राय के बराबर भी तकब्बुर होगा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे। आई ना समझ में बात। और सूफी जो है इसीलिए वो सफा से है, कुछ तो इसके मायने बयान करते हैं, सूफ का लिबास पहनने वाले सूफी कहलाते थे। लेकिन सूफी वो हैं असल में जिन्होंने असहाब सफा का तरीका अपनाया। और अपने आप को अल्लाह के लिए मुख्तस कर दिया। और हर तरह से उन्होंने अल्लाह की रजा को हासिल करने की कोशिश करते रहे। अब हमारे यहां अक्सर क्या है, ऐसा होता है कि वो किसी शायर का शेर है, वो कहता है तन उजला मन मैला, बाहर तो खूब नफासत है, बड़ा कर फर है, बड़ा इल्म है, बड़ी शोहरत है, बड़ी इज्जत है, बड़ा तकवा है, तो वो कहता है कि तन उजला मन मैला, अंदर हसद और बुगुज और कीना और निफाक, लालच मोहब्बत दुनिया, जुल्म ज्यादती भरी पड़ी है। तो वो कहता है तन उजला मन मेला, बगले जैसा भेस, और हमसे तो कागा भले अंदर बाहर एक, यानी कि बगले से कौवा बेहतर है, बाहर से भी काला है अंदर से भी काला है, कोई धोखा तो नहीं खाता। इंसान की सबसे बड़ी जो बुरी सिफत है, जिसको वो बहुत अच्छी समझता है, जो सबसे बुरी सिफत है वो ये है कि जिसके जाहिर को देखकर लोग धोखा खाएं।
ये सबसे बुरी सिफत है इंसान की, जबकि इंसान इसको सबसे ज्यादा अहमियत देता है और अच्छा समझता है कि उसका अंदर फेल कुछ भी है, बाहर से वो बड़ा सूफी, बड़ा आलिम, बड़ा मौलवी, बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार है, अंदर कुफर भरा हुआ है और लोग उसको कह रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी है यार, ये तो बेचारा बड़ा अच्छे बेटा। सबसे बुरा अमल है ये इंसान। सूफिया इसी की मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं तेरा बातिन ऐसा हो कि तेरा रब उससे राजी हो, तेरा जाहिर ऐसा हो चाहे दुनिया उस पर तू थूकती हो, ताकि कोई तुझसे धोखा ना खाए। कोई सवाल? इसीलिए कैफियत का नाम, हम तकवा जाहिर में करना चाहते हैं, आई ना समझ में। ये तरबियत हमारे बुजुर्गों की थी, ये इस तरीके से तरबियत करते थे, ऐसे तरबियत रखो। वो हमें बताते थे कि तुम्हारी सबसे बुरी सिफत क्या है, कि अपनी परहेजगारी, अपने इल्म, अपने उजलेपन से लोगों को फरेब देना। सफेद लिबास पहन के बल्ब जला के बैठ जाओ ताकि ज्यादा नूरानी नजर आए। मगर कुछ भी कर लो फिटकार नहीं जाती कहीं से भी। हाँ हाँ ये फिटकार तो अंदर से है ना, क्योंकि आती है। क्यों? जिगर मुरादाबादी का शेर है, वो कहता है कि तस्खीर मेहर माह हो मुबारक तुझे मगर, अगर तूने चांद और सूरज को मुसखिर कर लिया, उसकी तस्खीर कर ली है, बहुत मुबारक वाली बात है कि तुझे मुबारक हो। कहता है तस्खीर मेहर माह हो मुबारक तुझे मगर, जो दिल में नहीं है तो कहीं रोशनी नहीं। पहले इसमें रोशनी पैदा कर, बाद में तस्करों में रोमबा करियो, पहले इसको तो रोशन कर ले। बल्ब जला के चराग जला के बैठने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, भले अंधेरे में रहे, लेकिन इसको रोशन कर। और हमारे असलाफ का यही तरीका था कि उनके हुजरे जो थे वो बगैर चरागों के थे, मगर आज उनके कल्ब से सारा जहां रोशन है। यही बात है कि उन्होंने अपने कल्ब में रोशनी पैदा की थी, और कल्ब में रोशन जब तक नहीं होते जब तक खसाइल रजीला कल्ब से ना निकल जाएं। आई ना समझ में बात।
तो जब तक तुम्हारा बातिन नहीं समरता, कौन सा सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? दुनिया को तुम अपने उजले कपड़ों से धोखा दे सकते हो, मगर रब को अपने कल्ब से नहीं। वो तुम्हारे कल्बों को देख रहा है। और फिर कल्ब की स्याही चेहरे पे जाहिर होती है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूक में जिस सिफत का ज्यादा इजहार किया वो रबूबियत। सिफत रबूबियत यही कि वो एक हालत से दूसरी हालत। क्यों? कि अल्लाह ने हर चीज जोड़े से पैदा की है। जिस चीज में खैर है उसमें शर भी मौजूद है। इबादत खैर है लेकिन शर भी मौजूद है इसमें। क्यों? ये खैर जब है कि जब ये खालिसन अल्लाह के लिए हो, और जब ये मखलूक के लिए हो जाए दिखाने के लिए, तो ये मखलूक के लिए है, कर अल्लाह ही की राय, मगर मखलूक के लिए। और जब मखलूक के लिए करता है तो वो शर हो जाता है, वही इबादत शर हो जाती है फिर उसके लिए। वो फिर उसके अंदर निफाक पैदा करा देती है, वो उसके अंदर तकब्बुर पैदा कराती है, वो उसके अंदर रिया पैदा कराती है। जो इबादत अल्लाह के लिए खालिसन होती है वो ना तुम्हारे अंदर शर पैदा होने देगी, ना तकब्बुर पैदा होने देगी, ना रिया पैदा होने देगी। क्यों? कि वो खैर में चली गई, उससे खैर हासिल हुआ है। हमारे बुजुर्गों की तरबियत यही थी। ये अमूमन भी है और खसूसन भी। अमूमन से मुराद मुरीदीन के लिए तलकीन है, और खसूसन से मुराद खुल्फा के लिए निफाज। ये मुरीदों के लिए तलकीन है और खुल्फा पे इसका निफाज है। आई ना समझ में बात? हमारे एक पीर भाई ने
अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, वो आलिम थे, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब मुझे ना सनद लिख के देने खिलाफत की। पंजाब जा रहे थे, वो पंजाब में रहते थे तो आए हुए थे वहां से, तो वो कहते हैं कि वो लोग जो है ना सनद देखते हैं ज्यादातर लोग। जब उन्होंने ये बात करी ना, मेरा साहब गुस्सा हो गए, आपने दो बातें कही, एक फरमाया ये क्या तुझे मेरी जबान पे एतबार नहीं, और अगर तुझे मेरी जबान पे एतबार नहीं, कोई खिलाफत तेरे काम की नहीं, कोई सनद तेरे काम की नहीं। हाँ ये टुकड़ा है कागज पर रख दिए। और दूसरी बात ये है कि अगर तेरा किरदार खलीफा वाला नहीं है तो ये कागज का पुर्दा क्या करेगा तू, इसका अपने किरदार से बता के तू खलीफा है। जा पहले अपना किरदार बनाओ, अपनी रियाजत कर, हमारे बुजुर्गों के तरीके पे पूरा उतर, फिर तुझे किसी पुर्जे की जरूरत नहीं होगी। और ये मैं दे दूं लोगों को धोखा देने के लिए कि तू अपना किरदार ना बनाए और अपने बुजुर्गों की जबान पे यकीन ना रखे। फिर उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कभी उनसे मियाँ कुछ लिख के दे दो। सर में बात ये नहीं थी, बात ये थी कि वो वाकई उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बनाने में लगाई थी। सारी उम्र का जहद और तकवा था। आई ना समझ में बात? कहते थे अपने बुजुर्गों का तरीका अपनाओ, बस उस तरबियत पे अमल करो जो तुम्हें दी गई है। बिल्कुल करते थे, महाना महफिल, इलाज मुआलजा नहीं करते थे ज्यादा, इलाज मुआलजा नहीं करते थे बल्कि कसब करते थे, अपना खुद कपड़े सीते थे, टेलर थे। लेकिन एक टाइम था उनका, 6 घंटे उन्होंने काम करना होता था दिन में, बस इसके बाद नहीं। वो ये कहते थे शाम को खाना पक जाएगा, बस काफी है, क्योंकि जो बच्चों की जिम्मेदारी है ये मेरी पूरी हो गई। आई ना समझ बात? बल्कि कभी कभी तो हम ये सुनते थे कि जब वो बात कर रहे होते थे तो वो जो 5-6 घंटे होते थे उनके काम करने के, उसी में बैठे हुए होते थे लोग वगैरह, आन गए कोई, उनके पीर भाई आ गए, कोई मुरीद आ गए, कोई खलीफा आ गए, जो भी आ गए, उसी इसना में बातचीत होती रहती थी, वो अपना काम भी करते रहते थे। तो एक हमारे चचा पीर थे, उनके पीर भाई थे, उन्होंने कहा भैया कब तक काम करोगे? कहने लगे मियाँ जो फितने हमने अपने पीछे लगाए हैं उस आजमाइश में तो पूरा करना है ना उसको, तो ये 6 घंटे हमारी आजमाइश के हैं, बाकी हमारी मोहब्बत के। तो महफिल भी करते थे, खत्म भी होती थी, ये नहीं कि नहीं, कोई बिल्कुल तनहा हो जाते थे,
लेकिन हाँ अपना एक टाइम जो उनका खिलवत का था, बस फिर खिलवत था बस, सीधी बात है। मगर बात खिलवत का मतलब भी हम नहीं समझते इस मामले में, ये भी बात है ना, ये खिलफत क्या है। आई ना, असल में खिलवत दिल की है, जिस्म की नहीं। आई ना समझ में बात। कोई शायर कहता है ना, कहता है कि 100 बार चमन महका है, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक है, दिल की वही तन्हाई। असल दिल तन्हा होना चाहिए, वरना खिलवत में भी खिलवत नहीं होती। और कमाल यह है कि जिलवत में भी खिलवत हो। असल दुनिया छोड़ना थोड़ी है, मछली पानी में रहती है मगर कितना पानी पीती है, जरूरत के तहत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना खिलवत में ना जिलवत में। हाँ एक लम्हा भी अगर निकल जाता है ना, निकल जाए बगैर याद के, तो वही कुफर में गुजरा। वही हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना, जो दम गाफिल सो दम गाफिल यही मुर्शिद समझाया हो, कि जो लम्हा गफलत में गुजर गया वही कुफर में गुजरा। और गफलत ये है कि जिस लम्हे तू अपने रब से गाफिल हो गया वही कुफर था तेरा, उसी वक्त तू काफिर था। कैसे गुजरे वो, फरमाया बेशक। देखो जो तुम्हें टाइम दिया गया है ना, यानी कि जो तुम्हें सांसें दी गई हैं, जो तुम्हें टाइम दिया गया है, ये फानी भी है और लाफानी भी है। इसको फानी भी तुम करते हो, लाफानी भी तुम करते हो। फानी कैसे करते हैं, रब से गाफिल, उसकी याद से गाफिल रहता, इसको फानी कर देता। जो लम्हा उसकी याद में है वो लाफानी है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी को लाफानी कर सकते हो, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी को फानी कर सकते हो, क्योंकि कमाल बात यह है कि रब की मोहब्बत तुम्हें जमान और मकान से निकालती है। और उसके सिवा सारी मोहब्बतें तुम्हें जमान और मकान की कैद में रखती हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि जमान और मकान से निकल जाऊं, तो फिर उसकी मोहब्बत उसकी याद ही निकालती है। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा मैं बच्चों के साथ बाहर चला गया खेलने के लिए, बच्चे थे छोटे थे बचपन में। जब मैं वापस आया तो वालिद साहब ने मुझसे पूछा, शाह अब्दुल रहीम बड़े कमाल बुजुर्ग थे आप, हाँ बड़े कमाल बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बुजुर्गी अता फरमाई थी। तो आप फरमाते हैं, क्या वली अल्लाह अपने बेटे से तुम क्या करके आए,
उन्होंने कहा बाबा जान मैं खेल कर आया। तो उन्होंने पूछा आपने क्या किया अपने वालिद से, तो उन्होंने कहा कि हमने वो काम किया जो हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा आपने वो कौन सा काम कर दिया जो हमेशा रहेगा, मैं तो जो करके आया वो खत्म हो गया। तो आपने फरमाया बेटा मैं जिक्र इलाही में था, ये तस्बीह पढ़ रहा था और दुरूद पढ़ रहा था, ये हमेशा रहेगा, और जो तू करके आया वो खत्म हो गया। तो बेटा वो काम करो जो हमेशा रहे। तो हमेशा सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही रहेगा। जो इस जहां से उस जहां तक रहेगा हमेशा रहने वाला है। तो लिहाजा वो काम जो खत्म हो जाए उसमें अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो, क्यों गुजार रहे हो? वो काम करो जो हमेशा रहे तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी हमेशा रहने वाली है, यानी जन्नत में हमेशा के लिए हो जाओगे ना, जाओगे तो तुम जब तक अल्लाह रखे, है ना? ये बात तो खत्म नहीं होने वाली जिंदगी। जिस तरह से आलम रोया से वो बाप के पुश्त में लाया, बाप के पुश्त से माँ के रहम में लाया, माँ के रहम से दुनिया में लाया, दुनिया से कब्र में लेके जाएगा, तो ये तुम्हारे अदवार तब्दील हो रहे हैं, मौत कहीं नहीं आ रही। यानी कि बंदा जो मरता है वो छूट जाता है ना, छूट गया भाई, छूट गया, खत्म हो गई बात, कहां छूट गया, मुंतकिल हो जाता है, मुंतकिल ही होता हुआ आ रहा है, अभी मुकीम नहीं हुआ है, अभी मुसाफिर है। क्यों? ये सारा सफर के मराइल थे, आलम में अरवा से लेकर और दुनिया में पैदा होने तक, और दुनिया से जे कब्र में जाने तक, कब्र से बरजक में जाने तक, और बरजक से जन्नत में जाने तक। मुकीम कहाँ होगा जाकर? जन्नत में। अभी मुसाफिर है, तो मुसाफिर को ज्यादा राह के लिए क्या चाहिए जितनी जरूरत, ज्यादा सामान हो मुसीबत के लिए, मुसीबत बनता है मुसाफिर के लिए। तो ज्यादा रहा चाहिए। अब जिस जगह जितना कयाम है वहां जरूरत के मुताबिक मुसाफिर को सामान चाहिए होता है उतनी। अब मुकीम तो यहां है नहीं, मुकीम जहां है तू वहां का ले सामान क्या है तेरे पास? तो वहां का सामान उसकी याद है, उसकी मोहब्बत है, जितनी शदीद होगी उतना वहां ज्यादा इकट्ठा होगा। और यहां जितना इकट्ठा करेगा उतना अजाब होगा, उतनी मुसीबत में मुब्तिला होगा। तो हमारे बुजुर्गों का तरकीब हमारे को यही थी कि वो काम करो जो हमेशा रहे, खत्म हो जाने वाला तो जरूरत के तहत है। हम जो हमारी जिंदगी में बाकी बचता है ना टाइम, जब फालतू हो जाते हैं बिल्कुल, फिर कहते हैं चलो कुछ याद कर लो, अल्लाह अल्लाह की भी कर लो या कुछ तस्बीह पढ़ लो, नहीं तो अब तो वो तस्बीह भी खत्म हो गई, मोबाइल हाथ में ले लो जब फारिग हो जाओ, चलो जान छूटी। तो
गाफिल है, ये गफलत है। हर वो चीज तागूत है, हर वो चीज तागूत है जो तेरे और तेरे रब के दरमियान आ जाए। वो तागूत है, बस वो तेरे लिए आजमाइश है। आई ना समझो बात, तो अहकाम की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, अजकार, निफली अजकार बुजुर्गों ने इसीलिए करे हैं कि फराइज जो हैं वो वक्त वक्त से हैं। तो फराइज तो तुम पे कर्ज है, तुमने अदा करना है, लेकिन सेविंग नहीं होनी। नवाफिल जो है वो सेविंग है, फिर इजहार भी है मोहब्बत का। भाई एक आदमी आता है तुम्हारे पास, तुमने उससे टाइमिंग रखी है, एक मुआहदा किया है कि भाई तू 8 बजे से 5 बजे तक मेरे पास रहेगा, तुझे ये तनख्वाह दी जाएगी। अब वो 8 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है, अपनी तनख्वाह लेता है, चला जाता है, कोई बात नहीं है, तो करता है काम। ना उसका तुम पे कोई एहसान, ना तुम्हारा उस पर कोई एहसान। लेकिन एक आदमी आता है, वो कहता है कि नहीं मैं 5 बजे नहीं, मैं जब तक मेरी हिम्मत है मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। वो 5 बजे के बाद आए, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक तुम्हारी खिदमत में लगा रहता है, तो अब वो तुम्हारा नौकर नहीं रहा। अब वो तो तुम्हारा मोहसिन हो गया, तुम पे एहसान कर रहा है, वो दोस्त हो गया तुम्हारा। अब तुम उससे हिसाब नहीं कर सकते। अगर किसी में जरा भी शराफत है और इंसानियत है, फिर वो उससे क्या हिसाब करेगा, कहेगा यार ये तो मेरे साथ ऐसा लगा रहता है, बिल्कुल बड़ी खिदमत करता है मेरी, जबकि इसका टाइम भी नहीं है, ये खत्म भी हो गया। तो उससे तुम्हें एक मोहब्बत और अनसियत पैदा हो जाती है। अब कल वो ये कहे कि मैं जा रहा हूं, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, यार कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, तू अपनी परेशानी बता मुझे ताकि मैं तेरी परेशानी दूर करूं, इसलिए कि वो एक एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है। और तो जब बंदा फराइज के अलावा रब के साथ नवाफली ताल्लुक पैदा करता है, तो फिर रब भी उसकी हर चीज का ख्याल रखता है, फिर उसकी एक अलग एक्स्ट्रा मोहब्बत हो जाती है उससे कि भाई ये मेरे लिए है। इसीलिए सूफिया का तरीका अज़कार में, नवाफिल में एक्स्ट्रा था, कि वो चाहते थे कि जो फराइज हैं वो तो हैं ही हैं, बस उसके बाद हम उसी की याद में लगे रहें, कोई मकसद किसी से ना रहे। वही उसके दोस्त बनते थे और वही दोस्त हैं। देखो कमाल बात है, अल्लाह अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल करता है। वैसे तो सारी मखलूक का ही ख्याल रखता है, लेकिन एक्स्ट्रा होता है ना जो एक चीज। देखो कोई कुफ्र करता है, वो रिस्क देता है, देता रहता है, क्यों, कि वो रब है, वो ये जानता है कोई रिस्क देने वाला दूसरा नहीं है, वो देता है, कभी कम नहीं करता। काफिर है,
कुफर करता है तो काफिर कहलाता है, मुशरिक शिर्क करता है तो मुशरिक कहलाता है, जिना करता है जानी कहलाता है ना। लेकिन कमाल बात यह है कि जब कोई शख्स उसके दोस्त की तौहीन करता है तो मलाउन कहलाता है। आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की थी ना इबलीस ने, कितना इबादत गुजार, कितना इल्म वाला, मौलिमुल मलकूत, तौहीद की तालीम देने वाला फरिश्तों को है, आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन करी। तो अपने दोस्त की तौहीन करने वाले को उसने क्या कहा? मलाऊन। मलाऊन वो कि जिसकी कोई भी तौबा कबूल नहीं, जिसका कोई नेकी कबूल नहीं है, इला यौमिद्दीन, कयामत के दिन तक। अब कमाल बात यह है कि शैतान तौबा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसने उसको योम दीन तक के लिए मलाउन कर दिया, अब तौफीक खत्म कर दी गई। मगर मुशरिक को भी तौफीक दे देता है, काफिर को भी तौफीक दे देता है, सबको तौफीक देता है, मगर इसको नहीं देता। तो ये कमाल बात है, उन्हें एक निशानी बताइए। ये उसका एक फतवा है अजल से, ये उसके दोस्त की तौहीन करने वाला मलाउन होगा। आई ना समझ में बात? और इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने उस मलाउन से फरमाया कि मेरे बंदों पे तेरा कुछ इख्तियार नहीं होगा। क्यों? कि उनके दिल मेरे हाथ में है और दिलों का फेरने वाला मैं हूं, तू नहीं फेर सकता। उसके जो हैं वो तीन जो जाल है ना, वो तुम्हारे नस में मौजूद है। एक गफलत, एक सरकशी और एक शहवत यानी कि लज्जत। और इन तीनों जालों में से किसी भी एक जाल में तुम्हें फंसाता है। आई ना समझ बात? अब जिसको हम लज्जत और शहवत कहते हैं, ये बड़ी अजीब चीज है। इंसान को जलील करने में मजा आता है। जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान की तजलील इंसान करे। किसी की गिबत सुनने में बड़ा मजा आता है और कान लगा लगा के सुनता है बंदा। हाँ बता क्या बोल रहा था, और बता क्या बोल रहा, और बता क्या बोल रहा। ये कानों की लज्जत है।
मनाजिर देखने में मजा आ जाए, ज्यादा देखना चाहता है, ये आंखों की लज्जत है, आंखों की शहवत। दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं, ये दिमाग की लज्जत है, बार बार सोचता है उस बात को। किसी के खिलाफ, एक मुसलमान के खिलाफ प्लानिंग बनाता है मुसलमान, हथकंडे सोचता है, उसको सोच में मजा आता है, उसको सोचने में कि इसको जब जलील करूंगा कैसा मजा आएगा। जब ये सारी बातें हो रही होती है ना, तो शैतान धार लगा रहा होता है बैठा अपनी छुरी पर, अब कटेगा ये, बस कोई तुम्हारा इन बिन फिर काम नहीं आता, तब रखा रह जाता और तुम कर जाते हो सब कुछ। नतीजा, आज तुमने जिसको दुनिया में जलील करा है, कल रब के सामने जलील होना पड़ेगा, और वो जिल्लत कैसी बुरी होगी। बिल्कुल समझ लो, यूं कहा जाए कि जो शख्स रब से मोहब्बत करता है वो किसी को जलील नहीं करेगा। इसलिए सूफियों का कानून है कि वो कहते हैं कि सूफी का माल मुबाह है, सूफी की जान मुबाह है। जब दावा ही किसी बात पे नहीं है तो जलील कैसे करेगा किसी को, जड़ी काट दो। आई ना समझो बात, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लोगों में नहीं है, हट कर है, डिफरेंट है। अब कोई अपना माल मुभा करेगा, इसका मकसद ये नहीं है कोई लूट के ले जाए, आगे नहीं समझ में बात। इसका मकसद यह है कि वो लोगों की जरूरत के लिए है, उसका अपने मिल्क नहीं है, वो अल्लाह की राह में उसको खर्च कर देगा। आई ना सुनने बात, यह है। लेकिन अब ऐसे सूफी कहां मिलेंगे भाई, असूफी ला मजहब। दो बातें हैं, पहली बात यह कि सूफी अजीमत नहीं चाहता, रुख्सत नहीं चाहता, मजहब में रुख्सत की इजाजत है ना, जरूरत के तहत है ना ये बात। जैसे किसी भी माल पे हीला कर लो, तू भी ऐसा नहीं करेगा,
अगर वो बीमार भी है तो रोजा नहीं छोड़ेगा इस बहाने से, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसको ऐसा नहीं करने देगी। इसी तरीके से बहुत सारे काम है। इसलिए कहते हैं कि मजहब जो है वो रुखसत भी है उसमें, लेकिन सूफी नहीं चाहता अजीमत और रुखसत, वो लामजहब है। यानी कि वो रुखसत और अजीमत पर नहीं है, भाई ना समझ में बात। अब रह गई बात हर मजहब से मोहब्बत करने वाली, तो सूफिया का एक तरीका ये रहा कि वो हर मजहब वाले को अपने करीब करते थे, और उनका करीब करने का मकसद ये होता था कि इसको दलालत और गुमराही से निकाला जाए। आई ना समझ में बात। उनका मकसद ये नहीं था कि जो जिस मजहब पे रहे बस से मोहब्बत करो, उनका मकसद मोहब्बत करने का ये था कि अपने किरदार से अपने अखलाक से उसमें तब्दीली लाए और उसको अंधेरे से निकाल के उजाले में लाए, उसकी गफलत की जिंदगी को खत्म करे। और ये मोहब्बत से उसी वक्त मुमकिन है जब कोई तुम्हारे करीब आएगा। जब तुम्हें जानेगा कोई, जब तुम्हें पहचानेगा कोई, ये मकसद है उनकी मोहब्बत करने का सबसे। आई ना समझ में बात। जी, तो ये जो है शैतान के हथियारों में से सबसे बेस्ट हथियार है, और ये ऐसा हथियार है शहवत का और लज्जत का कि कोई इससे खाली नहीं जाता, किसी पर भी वार कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदे ज़िबा करे थे ना, कौन कौन से थे? कवल, चार थे ना, चारों में एक ही खासियत है, मुर्ग में शहवत है। मोर में जेबाइश है, खुद नुमाई है। कौवे में हिर्स और हसद है, कीना है, और कबूतर में तकब्बुर है। तो सूफिया के नजदीक जब तक ये चारों परिंदे ज़िबा ना हो जाएं, यकीन नहीं पैदा होता। यानी कि पहले अपने अंदर से लज़्ज़त और शहवत को ज़िबा कर, यानी कि अपने अंदर का मुर्ग ज़िबा कर। ये बार बार अजान देता है तेरे लिए, पुकारता है, बार बार खबरदार करता है कि देख ये मंजर कैसा है, सुन ये बात कैसी है, बोल ये कलाम कैसा है। बोलने की भी बड़ी शहवत है और बड़ी लज्जत है। अब तुमसे गाना गवा लो, खूब गालोगे तुम, और तुमसे तिलावत करवाओ तुम थक जाओगे एक मिनट के बाद, बस भाई अब नहीं होती। और गाना साहिराज गाओगे बैठ के माइक पे, लज्जत आ रही है ना उसमें। उसकी वजह यह है कि कल्ब में वही लज्जत, वो शहवत मौजूद है जो उसकी लज्जत को तुम्हें दे रही है,
लेकिन अगर कल्ब में हुब्बे इलाही होती तो तिलावत मजा देती, जिक्र मजा देता, जिसकी मोहब्बत है वो मजा दे रही है। तो दुनिया की मोहब्बत मौजूद है तो दुनिया की आसाइश मजा दे रही है, दुनिया की तारीफ मजा दे रही है, दुनिया के कलमात मजा दे रहे हैं। हुब्बे इलाही होती अल्लाह की मोहब्बत होती तो उसका नाम मजा देता। जिसने शहवत के इस जाविये को समझ लिया, जबान का मजा बहुतान, कानों का मजा गीबत, आंखों का मजा बद मनाजिर, है ना ये बात। तो बहुतान लगाने में हम कितनी देर करते हैं, लम्हा नहीं लगाते। जबकि अहदीस में है कि अगर तू नूह के जमाने की बुढ़िया पर बहुतान लगाए, तुम्हारा जमाना तो नहीं है वो। तो आज तेरे 80 बरस की जो नेकियां हैं इबादत जाया हो जाए। और आज पे वाली पे लगाए तो बोतान लगाने में जबान को मजा आता है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं किसी पर बोतान लगा के किसी की बेइज्जती करके खुद इज्जत वाला हो जाऊंगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। हम दुनिया के लिए सच बोल सकते हैं, बड़े सच को कहलाते हैं कि यार सच्ची बात करता हूं मैं तो भाई सबके लिए, मगर सच्चा वो जो अपने लिए सच्ची बात करे। दुनिया के लिए तो सब करते हैं सच्ची बात। कभी कभी तेरी सच्ची बात कहने से किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो रही होती है। अपनी बात, अपने बारे में सच्ची बात सुनना बर्दाश्त नहीं करता, बाकी सबके बारे में सच्ची बात करता है। ये कौन सी भाई, ये कौन सा दीन है? दीन तुझे लोगों के बारे में सच्ची बात करने के लिए कहता है, अपने बारे में सुनने को नहीं कहता। तो ये क्या है, गुमराही? शहवत का एक हिस्सा है ये। कि मेरी जिस सच बात से लोगों की तजलील हो रही हो मैं जरूर करूं, तो फिर कौन सच्चा बोला है मैंने तो भाई? अब मेरे बारे में कोई सच्ची बोले तो मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि तेरा नफ्स अम्मारा बड़े कमाल पे पहुंचा हुआ है, जिसके वापसी का रास्ता नहीं है कोई, बीच में कोई यूटर्न नहीं आ रहा उसमें कि वापस हो जाए। इसका मतलब यह है कि तुझे अपने रब के अहकाम की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है तुझे, तू रब से बेखौफ है। तुझे यकीन नहीं है इस बात पर, नऊज़ु बिल्ला मिना, के मेरा रब सुनता है,
तुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि रब ने फरमाया कि तेरा रब भूलने वाला नहीं है? तो फिर जब यकीन नहीं तो ईमान कहाँ है तेरा? गीबत करने वाला, भोतान करने वाला सूरह हुमजा की तर्दीद कर रहा है ना। अगर उसे यकीन होता तो वो क्यों भोतान लगाता? उसे यकीन होता तो क्यों गीबत करता? खुला कहा है ना सूरह हुमजा में अल्लाह ताला ने, और फरमाया बड़ी तबाही है, गिबत करने वालों की, भतान लगाने वालों की। भूल जाता है ये बात, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको जब रब के होने पे जितना यकीन होगा वो उतना बचेगा। ईमान यकीन का ही तो नाम है कि जितना रब पर तुझे यकीन होगा उसके होने का और उसके इख्तियारात का, उतना ही तेरा ईमान मजबूत होगा, उतना ही कमाल पे हो, उतना ही। तो जिक्र जो सूफिया बार बार कराते हैं और बहुत कराते हैं और हर वक्त कराते हैं कि हर वक्त जिक्र कर ताकि तुझे हर वक्त याद रहे, तेरा यकीन बढ़े, ताकि तू इन बातों से बचे। सारी रात इबादत करो, सारा दिन रोजा रखो और शाम को किसी एक पे बहतान लगा दो। लेकिन उसने तो सच बोला, जाया कहां हुआ उसका? हकीकत में जाया, और यही जाया नहीं हुआ जो पीछे किया वो भी जाया हुआ। बचना चाहिए इन बातों से, पूरी कोशिश करें। सबसे पहले देखो, तसव्वुफ का उसूल है, हर चीज का एक उसूल होता है ना। आप नमाज पढ़ने जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले वुजू करते हो, उसूल है ना नमाज का एक। पाक कपड़े पहनते हो, पाक जगह देखते हो, क्योंकि उसूलों में से है नमाज के लिए। किबला रुख देखते हो, फिर जो नमाज पढ़नी है उसकी नियत भी करते हो, है ना? ये बात तो, ये सब शराइत है नमाज की। जिस तरह नमाज की शराइत है नमाज पढ़ने से पहले, उसी तरीके से बंदगी की भी शराइत है। कि तू बंदगी में जब आएगा, जब अल्लाह के बंदों से हसद और बुग्ज छोड़ देगा, अल्लाह के बंदों पे भोतान लगाना छोड़ देगा, अल्लाह के बंदों का माल खाना छोड़ देगा। वरना रब को जितना तू अजीज है, उसने और भी अजीज है, सारी मखलूक उसी की है। तू कोई अलग से थोड़ी आ गया है, अलग से आना है तो सारी चीजें खाली करके आ। किसी ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि कुर्ब इलाही का सबसे आसान रास्ता क्या है?
आपने फरमाया कि अपनी औकात को लोगों में कुत्ते से बदतर कर ले। उसने कहा हजरत बंदे और अल्लाह के दरमियान सबसे कुर्ब के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट क्या है? फरमाया तेरा पेट, क्योंकि इसको भरने के लिए तू क्या क्या करता है। आगे तो समझ में, सबसे बड़ी तुम्हारी पेट की जो गजा है ना, वो है दुनिया की मोहब्बत। और फिर इसकी मोहब्बत में ही सारे काम करते हो, किसी पे जुल्म करते हो, किसी की ज्यादती करते हो, किसी पे बोहतान लगाते हो, किसी की बेइज्जती करते हो, किसी पे कुछ करते हो, किसी को तोहमत लगाते हो, इसी की मोहब्बत ये ज्यादा मिल जाए मुझे तुम्हें। कमाल बात यह है कि दुनिया तेलीरी लिख दी गई। अब जब तुझे दुनिया में भेजा है तो तुझे इसीलिए तो भेजा कि तेरे लिए लिखी थी, नहीं लिखता तो तू कैसे आ सकता था दुनिया में? अपने रब की मर्जी से आया है ना, तुमने लिख के ही भेजा है कि दुनिया कितनी दी गई है तुझे और उतनी ही मिलेगी, लेकिन तेरे हिस्से में आखिरत नहीं लिखी गई है, वो तुझे लिखनी है। इसीलिए हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहां जो बोओगे वहां काटोगे। तो जितनी मेहनत तू दुनिया हासिल करने के लिए करता है जबकि वो लिखी गई है, अगर इतनी मेहनत तू उस काम के लिए करे जो न लिखी गई है, तो तू कहां से कहां पहुंच जाएगा? इसके लिए तुझे मेहनत की जरूरत है। आई ना समझ बात? हम ये सब बातें भूल जाते हैं, हमें मालूम होती हैं ये बातें, ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं मालूम, हर आदमी को मालूम है ये बात। कौन सा ऐसा आदमी है जो इस बात से गाफिल है कि उसे मरना है और आखिरत में जाना है? मगर मालूम होना, खबर होना एक अलग चीज है और यकीन होना अलग चीज। कौन ऐसा है जिसको मालूम है कि दुनिया में अल्लाह की किताब कुरान न है? कौन नहीं जानता? अरे जानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। यहूदी भी, ईसाई भी, काफिर भी, हिंदू भी, सब जानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। और मुसलमान भी, लेकिन कितने काफिर इस पे ईमान लाए और कितने मुसलमान इस पे अमल करते हैं? तीन कैटेगरी हैं इंसानों की। एक कैटेगरी वो है जो अल्लाह को मानते हैं। कितने लोग मानते हैं अल्लाह को? सारे काफिर, ईसाई, यहूदी, मुसलमान सभी अल्लाह को मानते हैं। कौन नहीं मानते? यहां तक कि कम्युनिस्ट भी किसी न किसी तरीके से अल्लाह को मानते हैं। एक वो लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, एक ग्रोह वो है जो अल्लाह की मानता है। अब जो अल्लाह की मानता है वो कितने लोग हैं?
और एक वो लोग हैं जिनकी अल्लाह सुनता है। वो कितने लोग हैं? अल्लाह के मानने वालों में से ही छटाई होके छट के वो लोग निकले हैं जो अल्लाह की मानते हैं, और अल्लाह की मानने वालों में से ही उनकी छटाई हुई है जिनकी अल्लाह सुनता है। ये छन्ना है एक जो लगा हुआ है, और हर वक्त छन रहे हैं लोग उसमें लगा हुआ है। इसमें से काफिर अलग हो जाएंगे, मुनाफिक अलग हो जाएंगे, मोमिन अलग हो जाएंगे। चलता रहेगा ये हमेशा। तो अब हमें ये सोचना है कि हम किस गिरोह में खड़े हुए हैं। क्या हम अल्लाह के मानने वाले में ही खड़े हुए हैं, या अल्लाह की मानने वालों में खड़े हुए? अपने मोमिन होने का फैसला बंदा खुद कर सकता है, किसी को जरूरत नहीं उसके फैसले करने की। तो बंदा अल्लाह को मानता है तो कोशिश करे कि मैं अल्लाह की भी अब मानूं, और जब अल्लाह की मानने लगेगा ना तो अल्लाह भी उसको एक दिन उस गुरु में कर देगा कि अल्लाह उसकी भी सुनेगा। और रह गई सिफत रबूबियत के तहत, तो वो सबकी सुनता है, काफिर की भी मोमिन की भी। क्यों काफिर की क्यों सुनता है? और इसीलिए काफिर को रिस्क भी देता है, काफिर की सुनता भी है कि दुनिया की औकात उसकी नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, इसलिए यहां काफिर भी मांगता है तो देता है कि ले कितना चाहिए तुझे, जो नहीं मांगता उसको भी देता है, किसको भी देता है। क्यों? कि जिस चीज की औकात ही उसकी नजर में नहीं है, अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी औकात उसकी नजर में होती है ना रब की नजर में, तो एक काफिर को एक लुकमा भी नहीं देता। तो जब तुम्हारे रब की नजर में इसकी औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, जब काफिरों को भी मांगने से जो चीज दे रहा है वहां तुम्हारा क्या हिस्सा है? वो जहां तुम्हारा हिस्सा है वहां तुम जाना नहीं चाहते। कितने हाजी वारिस अली शाह साहब से पूछा, कहने लगे ये बताएं कि 72 गिरोह होंगे, 73 गिरोह, 72 नारी होंगे और एक नाजी होगा, तो आप बताएं कौन सा गिरोह नाजी होगा और कौन से नारी होंगे। आपने फरमाया कि हसद के आदाद बताओ कितने, किसी ने कहा हजरत हसद के आदाद 72 है, तो आपने फरमाया जो इससे पाक होगा वो नाजी होगा। वरना ये नारियों में पाई जाएगी। क्योंकि हासिद क्या है,
देखो पना मांगी है ना, मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, है ना। यानी कि हासिद वो है जो किसी मुसलमान से हसद करता है मुसलमान, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की तकसीम से राजी नहीं है। वो शख्स हासिद जो है अल्लाह की तकसीम से राजी नहीं है, और उसकी खूबी ये है कि एक तो वो अल्लाह की तकसीम से राजी नहीं है, दूसरी उसकी खूबी ये है कि ये नेमत मुझे मिले या ना मिले मगर इससे छिन जाए। यानी कि नेमत जो किसी के पास है वो मुझे मिले या ना मिले मगर इसके पास भी ना रहे, इससे छिन जाए, जबकि अल्लाह ने उसको दी है। तो जो अल्लाह की तकसीम से राजी ना हो वो क्या है फिर? सबसे बड़े मुनाफिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यही तराज उठाया था ना कि तुम्हारी तकसीम दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। अब वो मुनाफिक था, अब हासिद तो उससे भी आगे कि वो तो अल्लाह की भी तकसीम से राजी नहीं है। तो उसका अंजाम क्या होगा, कहां पहुंचना है उसने फिर, उसको अल्लाह पे यकीन कहां होगा, वो मुसलमान कहां रह जाएगा? तो हमारे बुजुर्गों की जो तरबियत थी वो यही है कि अहकाम, अजकार, समा, समा से मुराद यही थी कि एक जज्ब और कैफियत की तारीफ हो, एक जज्ब और कैफियत हो, एक सुरूर पैदा हो अल्लाह की मोहब्बत का, एक गलबा आए कल्ब पर। और सुनना जितना असर करता है रूह पर उतना बोलना नहीं करता। इसलिए खानदान चिश्त का एक खास ये भी एक समझ जो है ना उनके एक अस्कार से है, एक अशगाल से मशगल शुगल है उनका, एक इश्को मोहब्बत का पैदा करने का अल्लाह की। देखो ना मौलाना जलालुद्दीन रूमी के तरीके को, उनके यहां तो जिक्र भी रक्स के साथ होता है, सिलसिले मौलविया का तरीका है ये। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला सिलसिले मौलवी कहलाता है, मौलविया। और उनका जिक्र जो है ना, जो रक्स करके जिक्र करते हैं, ये जिक्र अब्दाली कहलाता है, ये अब्दालों का जिक्र है। क्यों? कि पूरी कायनात में रिदम है और पूरी कायनात तैर रही है, तो उनकी जो गर्दिश है ना, घूमना है उनका, उनका घूमने का ख्याल आफाकी है। और उनका तस्वुर यह है कि ये अर्श के गिर चक्कर लगा रहे हैं,
ये शुगल है उनका। और इंसान वो ही कुछ पाता है जिसकी सही करता है। और उसके गुमान के मुताबिक उसको हासिल होता है। आई ना समझ बात। ये शुगल इतना कवि होता है सुनने का, इतना कवि शुगल है कि वो अत्तयाद में जब कहते हैं ना अस्सलाम वालेका या अय्युन नबी रहमतुल्लाह व बरकात, आगे नहीं बढ़ते इसके बाद। जब तक जवाब ना सुन लें, तो मेरे भाई सुनने वालों को बड़ी वुसअत है समाज में, बहुत कुछ सुन सकते हैं। आई समझो बात। मियां साहब फरमाते थे कि जब रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पे निदा करता है ना हर रोज, सुनने वाले सुनते हैं और सजदे में गिर जाते हैं। लेकिन ये कमाल जब पैदा होता है जब तुम्हारे अंदर से सकालत निकल जाए और लताफत पैदा हो जाए तुम्हारी रूह में और तुम्हारा नफ्स सकालत से पाक हो जाए, यानी खसाइल रजीला से, इस शुगल में मियां साहब फरमाते थे कि जिंदगी में अगर रोज नहीं तो कोई एक मर्तबा, कोई साल में, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 15 दिन में, कोई महीने महीने, कोई रोज रोज जवाब सुनता है। आई ना समझ बात। तो मेरे भाई बात सिर्फ यही है कि तसव्वुफ नाम अलग चीज है, सलूक अहले सलूक अहले तसव्वुफ कहना बहुत आसान काम है, इससे ज्यादा आसान काम नहीं। सूफी अजम को, सूफिया को वो लोग लीड नहीं कर रहे जो जाली सूफी बने बैठे हैं। आगे ना समझ में बात, जो सिर्फ सूफियों का नाम लेते हैं। ये तबका ही बिल्कुल अलग है। अब हम उनके जरिए सूफियों को पहचानने की कोशिश करते हैं जो गली कूचों में बैठे हुए हैं। जिन्होंने सिर्फ सूफियों का लिबास पहना है, सूफी हुए नहीं।
ये इल्मे सीना है, इसी को इल्मे लुदनी भी कहते हैं, इसी को सीना भी कहते हैं। आई ना समझ बात, क्यों कि इल्मे लुदनी जो है ये विरासतुल अंबिया है, ये अंबिया की विरासत है। तो जिनके सीने पाक हो चुके होते हैं उन्हीं के सीनों में उतरता है ये। देखो तालीम हासिल करना अलग चीज है, और इल्म अलग चीज है। इल्म सिफत इलाहिया से है, आगे ना समझ में बात। तो ये कस्बी नहीं होती, इसमें कसब के लिए बर्तन साफ करना होता है। कसब ये है इसका कि तू पहले बर्तन साफ कर ले, फिर इस कल्ब के सीप में एक कतरा गिरता है जो मोती बन जाता है, फिर वही इल्मे लुदनी कहलाता है। आई समझ में बात, जिनकी रूह लतीफ हो जाती है, जिनके सीने खाली हो जाते हैं, खसाइले रजीला से, जिनके नफ्स मुतमईन हो जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत से, वो लोग हैं, वरना तो सब फिसाद है। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हाल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी मादन लजूदी वल करम वाला आलिही व बारक वसल्लम सल्लल्लाहु या इलाहुल आलमीन या रहमुर रहीमीन। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तोहफे में हमें हर तरह की गुमराहियों से, हर तरह की जिल्लतों से, हर तरह की रसवाइयों से, हर तरह के ज़ाहरी बातनी अमराज से, हर तरह की आफात नागानिया की, हर तरह की अमवात नागानिया से, हर तरह की वबाई नागानिया से महफूज फरमा, हर तरह की मोहताजगियों से महफूज फरमा, हर तरह की नेमतें, रहमतें, बरकतें, राहतें, आसानियां आता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हमें सुन्नत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें हमारे बुजुर्गों के रास्ते पर उनके कदम पर इस्तकामत की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में इल्म व अमल से हमारे सीनों को खोल दे। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारा खात्मा बिलखैर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनति फर्शिही क़ासिमि रिज़्क़िही محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين।